दोस्तों, एक छोटी सी गलती और 10 लाख का लॉस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी पिछला सेशन जो मुकाबला दोस्तों हुआ है उसमें दोस्तों हमारे यहाँ पे 10 लाख का दोस्तों लॉस हुआ है। अब बताऊँगा किस वजह से दोस्तों लॉस हुआ है। दोस्तों अफगानिस्तान का मैच था और इंग्लैंड के साथ में। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है दो ही टीम लगाई थी इंग्लैंड के पक्ष में कि इंग्लैंड पक्का मैच वन करेगी, 100% दोस्तों मैच वन करेगी। लेकिन दोस्तों 1% चांस, मैंने बोला था कि 1% चांस अगर यहाँ पे अफगानिस्तान मैच वन करता है तो हमारा सारा गणित यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दो टीम अफगानिस्तान पक्ष में दोस्तों लगाता तो डेफिनेटली दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग में रैंक टॉप आने वाली थी और 10 लाख का दोस्तों वहाँ पे प्राइज हम प्राप्त करने वाले थे। हमारी 3-4 रैंक दोस्तों 100% आने वाली थी, क्योंकि दोस्तों मैंने एक टीम बनाई थी ना कि उसको मैंने ज्वाइन किया। मैंने एक टीम ऐसी ही अपने आप को आजमाने के लिए मैंने दोस्तों बनाई थी। मैंने कैप्टन उसमें मुजीबर रहमान और वीसी मैंने वहाँ पे ग्रुपा दोस्तों बनाया था। जो दोस्तों मेरा गणित रहता है वो गणित मैंने वहाँ पे लगाया था और दोस्तों टीम बहुत जबरदस्त दोस्तों पॉइंट ले आई। उस टीम के मैंने पॉइंट चेक किए तो दोस्तों हमारे वहाँ पे 10 लाख रुपये आराम से बन रहे थे। तो बहुत दोस्तों बढ़िया हमसे गलती हो गई और मेरे भाई भी मैच वो नहीं कर सके और उनका भी दोस्तों वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच खराब गया। लेकिन दोस्तों अब से हमने कसम खा ली है, अब दोस्तों हम कोई गलती नहीं करने के, चाहे टीम कच्ची हो या पक्की हो। अब दोस्तों पता नहीं लगता कि पिच का बिहेव किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हो जाए और मैच कौन सी टीम वन कर जाए। पिच की दोस्तों जो सपोर्ट थी वो अफगानिस्तान को मिल गई। पहली पारी में अच्छे बल्लेबाजी करी, सेकंड इनिंग में दोस्तों पिच स्लो हो गई और वहाँ पे अफगानिस्तान बोलो दोस्तों उसका फायदा उठा गए और वहाँ पे इंग्लैंड को मैच हरा दिया। आप दोस्तों जो बात करने वाले हैं इस मैच के बारे में बात करने वाले हैं, मैच नंबर 15 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, 17 तारीख, टाइम 2 बजे, साउथ अफ्रीका वर्सेज नीदरलैंड। आप दोस्तों इसके बारे में यहाँ बात करेंगे और बेहतरीन यहाँ पे 4 ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। कोई भी दोस्तों रिस्क बिल्कुल नहीं लेने के। हालांकि मैच यहाँ पे अफ्रीका वन करेगी, लेकिन दोस्तों कई बार क्या हो सकता है यहाँ पे नीदरलैंड भी मैच वन कर सकता है। और बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना, कंप्लीट दोस्तों टीम बनानी है। दोस्तों 4 टीम में कोई ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला। 4 टीम ग्रैंड लीग की बनाएंगे, 2 टीम नीदरलैंड के लिए, 2 टीम अफ्रीका के लिए। अब नीदरलैंड अगर मैच वन करते हैं तो एक तरफा दोस्तों यहाँ पे विनिंग होने वाली, एक तरफा। काश दोस्तों मैं वहाँ पे 2 टीम आपके लिए अफगानिस्तान बना देता या आप मुझे कमेंट करके बोलते कि आप बनाओ, 4 की 4 टीमों में कंप्लीट दिया करो आप, हम 4 टीम खेलते हैं। अब पता नहीं लगता कौन सी टीम है मैच वन कर जाए। अगर दोस्तों आपको वहाँ पे मैं 2 टीम वहाँ पे आपको अफगानिस्तान देता तो 100% आपको मैं कैप्टन मुजीबर रहमान और आपको वीसी यहाँ पे गुरबाज देता है। आपको मैं दोस्तों यहाँ पे कैप्टन मुजीबर रहमान और वीसी यहाँ पे राशिद खान देने वाला था 100% 200%, क्योंकि दोस्तों इनके दिन पे टीम मैच वन करने वाली थी। दोस्तों वही हुआ, बिल्कुल लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था मुजीबर रहमान और अफगानिस्तान टीम पे कि मैच वन करेगी, इसके बल्लेबाजी इसके बॉलर परफॉर्म करेंगे। 1% चांस दोस्तों, जिसने 1% वो रिस्क लिया ना दोस्तों कसम से दबा के विनिंग ले गया। आप दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी। अब जो टीम बनानी चारों के पक्ष में दोस्तों यहाँ पर 4 टीम बनानी, दोनों टीमों को यहाँ पे कैच करके चलना है। पता नहीं कब कौन सी टीम दोस्तों परफॉर्म कर जाए। दोस्तों सारी बात वीडियो में करने वाले, मैच कहाँ पे होगा, किस प्रकार से यहाँ पे पिच का बिहेव जाने वाला, प्लेइंग 11 क्या रहेगी और कौन सी टीम ये मैच वन कर सकती है और किस किस कंडीशन दोस्तों मैच जाने वाला, वीडियो में आप बने रहे, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखो और फटाफट वीडियो को लाइक करो। उसके बाद दोस्तों अगली यहाँ बात करते हैं। दोस्तों अगर इस मैच के वेन्यू की बात करें और पिच की बात करें किस प्रकार से पिच दोस्तों बिहेव करने वाले, तो ज़बरदस्त दोस्तों वेन्यू रहने वाला। दोस्तों ये वेन्यू आपके यहाँ पे धर्मशाला स्टेडियम रहने वाला, हिमाचल प्रदेश, ठंडा मौसम और कूल वातावरण, जबरदस्त दोस्तों वहाँ पे पिच ये रहने वाली है। दोस्तों इस वेन्यू पर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है एक अच्छा खासा दोस्तों स्कोर यहाँ पे बना सकती है। आपने यहाँ पे एक मैच दोस्तों देखा हुआ इंग्लैंड का और यहाँ पे बांग्लादेश का, वहाँ पे इंग्लैंड ने मैच को वन किया पहले बैटिंग करते हुए। दोस्तों वही ये वेन्यू रहने वाला है। नीदरलैंड दोस्तों यहाँ पे अपना मैच हार के आ रही है और यहाँ पे अफ्रीका बैक टू बैक दोस्तों अच्छी परफॉर्म देने के बल पे मैच जीतती जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में एक अच्छी खासी परफॉर्म साउथ अफ्रीका दे सकती है और आपको सेमीफाइनल या फाइनल में दोस्तों खेलती हुई नजर आ सकती है। जिस हिसाब से परफॉर्म दोस्तों दे रही है, बड़ी बड़ी दोस्तों टीमों को यहाँ पे हरा के आ रही है। दोस्तों इस मैच में भी एक अच्छी खासी दोस्तों परफॉर्मेंस की उम्मीद यहाँ से हम कर सकते हैं इनके बल्लेबाज और बॉलर से। दोस्तों अगर बैटिंग दोस्तों अगर पिच की बात करूँ, पिच यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, एवरेज स्कोर 260 का, वेदर क्लाउडी यानी कि थोड़ा बहुत दोस्तों मौसम थोड़ा खराब है, विनिंग चांस साउथ अफ्रीका का 60% और यहाँ पे नीदरलैंड के 40%। लास्ट अगर दोस्तों 5 मैच की बात करूँ दोनों टीमों की, दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका का रिकॉर्ड जबरदस्त दोस्तों देखने को मिल रहा है। 5 के 5 मैच अपने वन करके आ रही है और 2 मैच दोस्तों यहाँ पे नीदरलैंड अपने मैच वन करके आ रही है। ओडीआई दोस्तों मुकाबले यहाँ पे जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि मैच अफ्रीका वन करेगी लेकिन यहाँ पे नीदरलैंड को भी दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते। हमने बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी पहले कर दी है और यहाँ पे हमने अपना लॉस उठा लिया है, वरना दोस्तों यहाँ पे एक तरफ हम मैच कर जाते और अफगानिस्तान के फेवर में टीम लगा के मैच दोस्तों वन करते, अच्छी खासी दोस्तों हम वहाँ विनिंग अमाउंट प्राप्त करते। लेकिन इस मैच में हम यहाँ पे 4 टीम लगाएंगे, 2 नीदरलैंड के पक्ष में, 2 यहाँ पे अफ्रीका के पक्ष में, ताकि दोस्तों मैच हमारे से बाहर बिल्कुल ना जाए और गेम हमारे आसपास दोस्तों यहाँ पे चलता रहे और हम दोस्तों यहाँ पे आराम से मैच देखने का मजा भी उठा सके और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा दोस्तों अमाउंट भी प्राप्त यहाँ पे हम कर सके। अगर यहाँ पे बात की जाए साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की, तो आपने रिसेंट मैच में देखिए कितनी जबरदस्त प्लेइंग 11 थी, तो इस मैच में भी यही प्लेइंग 11 रह सकती है और जबरदस्त परफॉर्म यहाँ से आने वाली है। दोस्तों यहाँ पे क्वांटन डिकोक, टी बमुमा, आर वन दूसरे, एडम मार्करम, एच क्लासन, डेविड मिलर, एम जैनसन, के रबाडा, केशव महाराज, एल एंडिंगी,
तवरेज समझी। दोस्तों ये इनकी यहाँ पे प्लेइंग 11 रह सकती है इस मैच के अकॉर्डिंग भी, प्रोबेबल दोस्तों प्लेइंग 11 इनकी जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर रहने वाली। अगर आपको यहाँ पे बताऊँ मैं नीदरलैंड की प्लेइंग 11, तो यहाँ पे वी सिंह, एम ओक्सटाउड, सी अकरमैन, बी डे लिदे, टी नेडामरू, यहाँ पे एस इवार्ड, एस इंगलबेरी, आर वन मरवे, आर केलिन, आर एन दत्त और यहाँ पे पी वहाँ मिक्रन। दोस्तों ये यहाँ पे इनकी प्लेइंग 11 रह सकती है और इसमें एक खास दोस्तों प्लेयर चेंज दोस्तों हो सकता है। दोस्तों टीम बढ़िया है लेकिन अफ्रीका सामने थोड़ी सी यहाँ पे टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। अफ्रीका के चांस दोस्तों मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे मैच वन कर लेंगे, लेकिन हम गलती नहीं कर सकते, हम यहाँ पे फिर भी 4 टीम लगाएंगे, 2 टीम इसके पक्ष में दोस्तों हम जरूर लगाएंगे अगर मैच वन करती है तो किस प्रकार से यहाँ पे खिलाड़ी हीरो बनकर दोस्तों निकलने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्तों गेम को पकड़ के रखना है तब यहाँ पे विनिंग होने वाली है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। पूरे वर्ल्ड कप में अब 4 टीम लेकर चलना, 4 टीम कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों होता है। 2 टीम एक टीम के पक्ष में लगाओ, पहले बैटिंग करते हुए पहले बॉलिंग करते हुए, ताकि अगर बॉलिंग पहले चल रही है तो कौन सा प्लेयर यहाँ पे हीरो बनकर निकलेगा और पहले बैटिंग चल रही है तो कौन सा बल्लेबाज हीरो बनकर निकलेगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों गेम पकड़ लेते हैं और रिसेंट जैसे हम धीरे धीरे मैच खेलते हैं तो कहीं ना कहीं गेम हमारे हाथ में दोस्तों आ जाता है और उस दिन हम दोस्तों वहाँ पे विन कर जाते हैं। अलग अलग हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाएंगे या अलग अलग गेम पकड़ेंगे नए नए तरीके से, तो दोस्तों कभी भी गेम हाथ में आने वाला नहीं है क्योंकि रोज नई पिच, नए प्लेयर और नए दोस्तों वहाँ पे वेन्यू रहती हैं तो गेम इसलिए हमसे बाहर जाता है। इसलिए मैं एक ही एंगल से खेलता हूँ क्योंकि इस एंगल से ही एक दिन दोस्तों यहाँ पे विन दबा के होती है और दबा के दोस्तों विनिंग होती है। नए नए रोज गणित लगाने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। अगर दोस्तों आपको यहाँ साउथ अफ्रीका के बॉलर की बात बताऊँ तो यहाँ पे दोस्तों 5 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। 6ठा दोस्तों बॉलिंग ऑप्शन एडम मार्करम है। यहाँ अगर पावर प्ले में बात करूँ यहाँ पे एल एंडिंगी, एम जैनसन दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, 3 नंबर पर के रबाड़ा, 4 पर केशव महाराज, 5 पर तबरेज़ शम्सी और 6 नंबर पर एडम मार्करम दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं। जबरदस्त बॉलिंग ऑप्शन है और पिच भी दोस्तों सपोर्ट करती है स्पिनर को, तो ये भी यहाँ गेम में दोस्तों आने वाले स्पिनर इस टीम के। आपको बताऊंगा जब टीम बनाऊंगा तो कैप्टन कैप्टन किसे ट्राई करोगे आप इस मैच के अकॉर्डिंग। अगर नीदरलैंड के यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन की बात करें यहाँ पे दोस्तों 6 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे पावर प्ले में आर्यन दत्त और आर केलिन दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं। 3 नंबर पर पी वामिकरन, 4 पर आर वन मिर्वे, 5 पर सी अकरमैन और यहाँ पे 6 पर बी दे लीदे दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं। 7वें नंबर के दोस्तों बॉलिंग एस इंगलबेरी बॉलिंग दोस्तों कर सकते हैं। पिछले मैच में अलग बॉलिंग मिली नहीं लेकिन इस मैच बॉलिंग कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे यहाँ पे पिच रिकॉर्ड और बॉलिंग बैटिंग की बात होगी। अब जब भी आप अपने यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करो, जब भी अपने यहाँ पे कोई टीम बनाओ, तो पहले आपको अपने दिमाग में 2 क्वेश्चन रखने हैं कि हम टीम किसको विन करा रहे हैं। जिसको आप टीम विन करा रहे हो आपको देखना वहाँ से आपको 2 हीरो पकड़ने कि आज मैच के हीरो कौन होने वाले। वो हीरो आपको पिच की रिपोर्ट से पता लग जाएंगे। अगर पिच बैटिंग है तो 1 हीरो आपको बैटिंग से मिलने वाला और 1 हीरो आपको स्पिनर से मिलने वाला, तो आपका कैप्टन कैप्टन सेट हो गया। और जो टीम दोस्तों हारती है आपको देखना है उसके कम परसेंट के खिलाड़ी कहाँ पड़े हुए हैं, आपको उनको टीम में लेकर आना है। और उनको जब टीम में लाओगे अगर वो बॉलर होते हैं तो कौन कौन से बॉलर हैं, किस किस टाइम बॉलिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सामने टीम एक अकेले दोस्तों छोड़ सकते हो रिस्क ले लेके। इस प्रकार से दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम बनती है और इसी प्रकार से सब लोग विन करते हैं और विन करते आ रहे हैं। मैंने वो विन की, आप भी ऐसे ही विन करोगे। और जो पीछे चला गया उसको बिल्कुल भूल जाओ, पीछे कभी कॉपी नहीं करनी, पीछे की बात तो सोच कभी अफसोस नहीं करना कि कल हम मैच हार गए, हमने विन नहीं कर पाए, गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं होना। मैच बहुत सारे आने वाले, आगे आप खेलते रहना और जिसकी लक में पैसा होगा वो दूसरा पैसा वन कर लेगा। अपनी टीम बनाते रहना, कोशिश करते रहना, कोशिश जारी रहेगी और यहाँ पे विन हो जाएंगे और इसी एंगल से विन होंगे। जिस एंगल से मैं आपको खिला रहा हूँ यही एक एंगल है, 100% ग्रैंड लीग इसी एंगल से आती है। एक ही गणित से चलना पड़ता है और इस एंगल से ही विन होती है क्योंकि मैंने यहाँ पे कई बार ग्रैंड लीग में टॉप किया है, बाकी उसका कोई तरीका नहीं है। नए तरीके से जब भी खेलोगे तभी आप वहाँ पे मैच में लॉस उठाओगे और वहाँ पे आप बिल्कुल भूल जाओगे। आपको देखना यही है कि टीम स्ट्रॉन्ग कौन सी है और उसके फेवर में अगर टॉस पड़ता है तो डेफिनेटली आप दोस्तों वहाँ पे उसको मैच ऑन करा दो। लेकिन कई बार मैं बोलता हूँ कि मैच शुरू होने से पहले कप्तान कुछ गलत डिसीजन ले लेता है और बैटिंग की जगह बॉलिंग या बैटिंग लेता है, वहाँ पे दोस्तों फंस जाता है। जैसे कि यहाँ पे पिछले मैच में हम देखा इंग्लैंड फंस गई थी, वहाँ पे पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया की कॉपी की, इंडिया ने की बॉलिंग करी, अफगानिस्तान को यहाँ पे हरा दिया। मैंने बोला था कि 280 रन बनाएंगे, एक्यूरेट उन्होंने 3 रन बनाए, लेकिन दोस्तों पिच बाद में स्लो हुई तो वहाँ पे इंग्लैंड दोस्तों फंस गई। अब भारत वाले मैच में पिच शुरू में स्लो थी, बाद में स्लो नहीं थी पिच, वहाँ पे अच्छा दोस्तों शतक लगा रहे शर्मा ने और मैच को दोस्तों वन कर लिया। तो कभी भी ऐसी कॉपी नहीं करनी जैसे लोग कॉपी करते हैं, इसलिए बोलता हूँ पिछले मैच की कॉपी मत देखो, पिछले मैच की टीम मत देखो, नई टीम बनानी, नए हिसाब से नई पीछे टीम बनानी और सेम एंगल पकड़ना, अपना एंगल वही रखना, टीम नहीं बनानी दोस्तों। तो दोस्तों आइए यहाँ पे बनाते हैं अपनी 4 टीम बेहतरीन वाली, 2 यहाँ पे आपकी अफ्रीका के पक्ष में और 2 यहाँ पे नीदरलैंड के पक्ष में। नीदरलैंड के पक्ष में भी टीम बनानी जरूरी है, अगर 1% चांस मैच वन करेगी तो सारा गणित हमारा धराधरा रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक टीम इसके पक्ष में लगाएंगे और गेम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, चांस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे अफ्रीका के जीतने के। बस पिछली गलती नहीं करनी, तरीके से खेलना, तरीके से मैच को समझना।
आइए दोस्तों देखते हैं ग्रैंड लीग की चार टीम बेहतरीन वाली। भाइयों यहाँ पे हमारी चार टीम बेहतरीन वाली बन गई है और मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूं, यहाँ पे अगर रिचा हेंड्रिक्स खेलता है तो उसको कैप्टन वैकैप्टन जरूर ट्राई करना। यहाँ पे दो प्लेयर की एंट्री हो सकती है, अफ्रीका के साइड से आपको रिचा हेंड्रिक्स खेलता नजर आ सकता है और यहाँ पे नीदरलैंड तरफ से आपको एलवान बीक दोस्तों खेलता नजर आता है। दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, दोनों की जगह आपको बनानी है। अगर खेलते हैं, मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखे नहीं, अगर खेलते आपको टीम में दोस्तों लेने हैं और उनका कैप्टन वैकैप्टन जरूर ट्राई करना। जबरदस्त प्लेयर हैं और परफॉर्म दोस्तों दोनों दे सकते हैं, तो इसलिए आपको मैंने पीएचसी पहले ही कंफर्म दोस्तों करा दी। अब यहाँ पे पहले टीम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के पक्ष में, दो टीम मैंने लगाई बेहतरीन वाली। पहली टीम यहाँ पे क्वांटन डिकॉक, एच क्लासन, आर वन दुसे, टी बबूमा, एडम मार्करम, के रबाडा, तबरेज शम्सी। कैप्टनसी की बात करें, यहाँ कैप्टन डिकॉक, एच क्लासन, आर वन दुसे, तीन कैप्टनसी ऑप्शन हमें रखे हैं, वीसिया, रबाडा और तबरेज शम्सी। और यहाँ पे चार प्लेयर नीदरलैंड की बात करूँ, एम ऑक्सटाउट, बी दिलीदे, ए दत्त और यहाँ पे आर केलिन। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा मैं कैप्टन किसे बनाऊँ, तो दोस्तों यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए टीम है तो यहाँ पे आप कैप्टनसी एच क्लासन के साथ दोस्तों जा सकते हो या आर वन दूसरे, जबरदस्त पिक रहेगा। डिकॉक को आप टीम में ले लो, कैप्टन कैप्टन चाहे मत ट्राई करना, दोनों मेरे हिसाब से जबरदस्त पिक रहने वाले। और वी सी के यहाँ पे लिए जो पिक है वो भी तबरेज शम्सी जबरदस्त पिक रहने वाला। रबाडा को आप चाहे वी सी ना बनाओ, तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया होगा, मैंने आपको समझा दिया ऑप्शन ये रहने वाले, इनमें से आप चेंजिंग दोस्तों कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये होने वाला है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे टीम बनाई। सेकंड अगर टीम की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्वांटन डिकॉक, टी बबूमा, आर वन दुसे, एम जैनसन, के रबाडा, तबरेज शम्सी और यहाँ पे एल एंडिंगी। और यहाँ पे अगर चार प्लेयर नीदरलैंड की बात करूँ, एम ऑस्टाउट, टी निदा मनरो, बी दे लीदे, आर वन मरवे। कैप्टनसी की बात करूँ, कैप्टन यहाँ पे एल एंडिंगी, एम जैनसन, वी सी, आर वन दूसरे और यहाँ पे वी सी, टी बबूमा और वी सी यहाँ पे डिकॉक। अब यहाँ पे बहुत सारे कैप्टनसी ऑप्शन हो गए, अगर आपको अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे ट्राई करना एल एंडिंगी, जबरदस्त पिक रहने वाला। इसको आप पहले बॉलिंग करते हुए कैप्टन से ट्राई कर सकते हो और वी सी आप यहाँ पे डिकॉक और टी बबूमा के साथ में दोस्तों आप जा सकते हो, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नीदरलैंड की दो टीम के बारे में। पहले अगर टीम की बात करूँ मैं, यहाँ पे एस इवार्ड, एम ऑस्टाउट, वी सिंह, टी निडा मनरो, बी दे लीदे, आर वन मरवे, आर केलिन। सात प्लेयर यहाँ पे नीदरलैंड के और चार प्लेयर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के, डिकॉक, टी बबूमा, एम जैनसन, एल एंडिंगी। कैप्टनसी की बात करूँ, बी दे लीदे कैप्टन, जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला। और यहाँ पे वी सी, एम ऑक्सटाउट और वी सी यहाँ पे एक्स इवार्ड। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे वी सी एस इवार्ड ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एम ऑक्सटाउट जबरदस्त पिक रहने वाला इस क्राउंड के हिसाब से, पहले बैटिंग करते हुए जबरदस्त पिक रहने वाला। कैप्टनसी में आप लीदे के साथ जाओ, परफॉर्म दोस्तों देगा, अगर मैच वन करते हैं तो हीरो बनने वाले ये प्लेयर दोस्तों यहाँ पे रहने वाले। चौथे अगर टीम की बात करूँ, यहाँ पे नीदरलैंड की, एम ऑक्सटाउट, वी सिंह, बी दे लीदे, सी अगरमैन, आर वन मरवे, ए दत्त, आर केलिन। और यहाँ पे चार प्लेयर अफ्रीका के, एच क्लासन, आर वन दुसे, टी बबूमा, एडम मार्करम। कैप्टनसी की बात करूँ, कैप्टनसी बी दे लीदे यहाँ पे भी रहने वाला और वी सिंह, यहाँ पे वी सी लगाएंगे हम और यहाँ पे कैप्टन एक, आर वन मरवे। दोस्तों हमारे यहाँ पे चार टीम बेहतरीन वाली बन गई और कहीं ना कहीं परफॉर्म करने वाली है। छोड़ने का रिस्क दोस्तों किसी को नहीं लिया, यहाँ पे दो प्लेयर यहाँ पे नहीं खेलेंगे तो आप उनको जरूर ट्राई कर लेना, जैसे कि एलवन बीक और यहाँ पे रिचा हेंड्रिक्स। मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, धर्मशाला स्टेडियम, बैटिंग फ्रेंडली। पहले जो टीम बैटिंग करेगी स्कोर बना सकती है, अच्छा अगर परफॉर्म करेगी, अच्छे बल्ले से खेल लेगी, अच्छे तरीके से खेल लेगी तो वहाँ पे स्कोर दोस्तों कर सकती है। बाद में दोस्तों पिच स्लो होने के चांस रहेंगे तो वहाँ पे बॉलर भी गेम में पहली टीम के आने वाले हैं। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो फटाफट लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट मार दो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।